हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको बता दें हम कि हम आज एक ऐसे संस्थान में आए हैं जहां पर लेसिक सर्जरी की सबसे अपडेट टेक्नोलॉजी है। ये संस्थान इन संस्थानों में से एक संस्थान है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल से बताया था। हमने आपको ये संस्थान दिखाया भी था कि ये संस्थान किस तरीके का है और ये कैसे काम करते हैं, और ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कुछ समय लूँगा और डॉक्टर साहब से बात करूँगा जो कि खुद लेसिक सर्जरी करते हैं, यानी कॉन्ट्रा विजन करते हैं या फिर एपिकॉन्ट्रा करते हैं, जो आज के समय में सबसे अपडेट टेक्नोलॉजी है। तो जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी सबसे अपडेट है और जॉब के पर्पस से हम इसको करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बहुत सारे सवाल रहते हैं और उनका क्लियर करना इस सर्जरी से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वही सारे सवाल आज मैं लेकर डॉक्टर साहब के पास आया और मैंने उनसे वो बहुत सारे सवाल आपके किए और उनके जवाब भी लिए। तो वो क्या सवाल थे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि जो आमतौर पर सभी लोग पूछते हैं कि चश्मा हटाने की कितनी टेक्नोलॉजीज हैं और वो कितनी सेफ हैं। देखिए, आज की डेट में चश्मा हटाने की करीब 7-8 तरह की टेक्नोलॉजीज हैं। ओके। लेकिन हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात करें तो 3 तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जो आजकल सबसे लेटेस्ट हैं। सबसे पहली है ब्लेडलेस लेसिक, जो अब करीब 15 साल पुरानी है और सबसे पॉपुलर है हमारे देश में, क्योंकि एक तो इसको 15 साल हो गए हैं, डॉक्टर्स इस सर्जरी के लिए स्किलफुल हो गए हैं, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम हो गई है। तो इस समय हमारे देश में सबसे ज़्यादा ब्लेडलेस लेसिक ही परफॉर्म किया जाता है, और जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, आई लेसिक, फेमटो लेसिक और लेजर लेसिक, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। उसके बाद इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई, जो अब करीब 5-6 साल पुरानी हो चुकी है, उसका नाम है स्माइल, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका नाम है कंट्यूरा विजन। अब कंट्यूरा विजन में एडवांटेज ये आया है कि अभी तक जो भी टेक्नोलॉजीज हमारे पास थी, ब्लेडलेस लेसिक, स्माइल या उससे पहले वाली टेक्नोलॉजीज, ये सब चश्मे का नंबर हटाती थी। ठीक है। मतलब जो नज़र आपको चश्मे के साथ मिल रही है वही नज़र लेज़र कराने के बाद बिना चश्मे के मिलेगी। तो कंट्यूरा विजन में अब नया ये आया है कि चश्मे का नंबर हटाने के साथ साथ जो आपकी आंखों की खामियां होती हैं, इररेगुलरिटीज होती हैं, उसको भी ठीक कर देती है, जिसकी वजह से जो कंट्यूरा विजन के बाद आपकी नज़र की क्वालिटी आती है, एक तरह से उसको हम कहते हैं कि सुपर विजन इफेक्ट आता है, एक नॉर्मल इंसान से बेटर विजन आती है, हाई डेफिनेशन विजन आती है। अब अगर सेफ्टी की बात करें तो देखिए, ये सारी टेक्नोलॉजीज बहुत सेफ हैं, USFDA अप्रूव्ड है, हम लोग ऑन पेपर कहते हैं कि ये 99.9% सेफ है। प्रैक्टिकली इनको हम 100% सेफ ही मानते हैं। ऑन पेपर 99% सेफ्टी का रीजन ये है क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सारे एक मेडिकल प्रोसीजर है। कोई भी मेडिकल प्रोसीजर 100% नहीं होता भाई। लाइफ में हर चीज में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। अब आप मेरे से पूछे कि अगर हम इस रूम में बैठे हैं तो मैं कितना सेफ हूँ? वेल, एक तरह से तो मैं 100% सेफ हूँ, लेकिन पता नहीं कब भूचाल आ जाए, छत गिर जाए। तो लाइफ में कोई भी 100% सेफ नहीं होता, 100% नहीं होता। हाँ, लेकिन बहुत सेफ है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। हमने प्रोसीजर कई हजारों में परफॉर्म करे हैं और टचवुड आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप आराम से बिना किसी डर के इनको करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें कोई एज बैरियर भी है क्या, किस एज तक के लोग करा सकते हैं? देखिए, एज में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में हम कहते हैं कि इंसान की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, लेकिन 18 साल के बाद भी और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको फुलफिल करना ज़रूरी है। तो इसमें क्राइटेरिया बेसिकली होते हैं कि उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, चश्मे का नंबर पिछले 6 महीने से स्टेबल होना चाहिए, थोड़ी बहुत वेरिएशंस आधे या 1/4 की वेरिएशन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे ऊपर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। आंखों में चश्मे के नंबर के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लेडीज़ जो हैं वो प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीड पर नहीं होनी चाहिए, और आप कुछ इस तरह की दवाइयां ना खा रहे हो जिससे बॉडी का हीलिंग रिस्पॉन्स इफेक्ट हो, जैसे इम्यूनोसप्रेसेंस हो गई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गई, इस तरह की दवाइयों का सेवन नहीं होना चाहिए। तो अगर इन सब चीज़ों में आप एलिजिबल निकलते हो, सब चेक मार्क होती हैं, तो हम आपको लेज़र के लिए ले सकते हैं। लेज़र की अपर लिमिट कोई नहीं है। हमने लोगों का 70-60 ईयर्स में भी लेज़र ऑपरेशन करा है और आराम से चश्मे का नंबर हटाया। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि उम्र के साथ बॉडी चेंज होती है। जो आंख 18 साल पे होती है वो आंख 45 या 50 साल पे नहीं होती है।
ठीक है, तो हमारे आंख में उम्र के साथ एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, मतलब नजदीक का चश्मे का नंबर आना। तो जब अगर आपकी उम्र करीब 50-55 साल की है और आप लेजर करा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेजर के बाद आपकी सिर्फ दूर की नजर साफ होगी। नजदीक के लिए जब भी आपको पढ़ने लिखने का काम करना है उस टाइम पे चश्मा लगाना पड़ेगा। तो करीब 50 साल तक तो आपको 100% इंडिपेंडेंस मिलती है अगर आप लेजर कराते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं 90% इंडिपेंडेंस। दूर का बढ़िया है, वॉकिंग कर सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, ड्राइविंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, लेकिन जब भी नजदीक का पढ़ना है उसके लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जैसे जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उसमें जैसे हमने पहले भी इसको समझा है अच्छे से, तो अगर कुछ लोग रेलवे के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर कुछ अदर जॉब्स भी हैं गवर्नमेंट की, तो उन लोगों अगर वो लोग इस प्रोसीजर को कराते हैं तो रेलवे के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए या जो लोग उसमें अपीयरेंस कर रहे हैं वो क्या कराएं? देखिए, अभी तक तो कंटिन्यूअर विजन बहुत ही सक्सेसफुल था, सारे ही गवर्नमेंट मेडिकल्स इससे क्लियर हो जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसकी एक बहुत खास बात है कि ये लेजर के बाद आंखों में कोई निशान नहीं आता और रूटीन टेस्ट से इनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रेलवे में अब ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कुछ एडवांस मशीनें लगा ली हैं, नए तरीके के स्लिट लैंप लगा लिए हैं, OCT टेस्ट कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूअर विजन ऑफकोर्स डिटेक्ट हो जाएगा। तो अगर रेलवे एस्पिरेंट्स हैं और अक्सर रेलवे वाले पेशेंट्स में से कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ इस तरह का ऑपरेशन करो कि मतलब स्लिट लैंप में भी ना दिखे, OCT में ना दिखे, फंडोस्कोपी में ना दिखे, रेटनोस्कोपी हो गई, डायलेट कर दिया, बस ये किसी तरह से दिखे ना कि हमारे आँख में कुछ लेज़र हुआ है। तो उनके लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो है एपिकंट्यूरा, क्योंकि एपिकंट्यूरा एक ब्लेडलेस, फ्लैपलेस, टचलेस, कटलेस टेक्नोलॉजी है। ना कोई ब्लेड, ना कोई फ्लैप, ना कोई टच, ना कोई कट। तो इसकी वजह से इस पे आँख में कोई निशान नहीं आता, तो ये 100% एक तरह से डिटेक्ट नहीं हो सकती। अगर कोई भी व्यक्ति इस बारे में सोचता है कि उसे ये कराना चाहिए तो क्या कॉस्ट आएगी हॉस्पिटल में? देखिए, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग कॉस्ट है इनकी। कंटिन्यूअर विजन की मशीन अब 5-6 मशीनें इंडिया में आ चुकी है। तो हमारे सेंटर में कंटिन्यूअर विजन 95,000 में होता है और एपी कंटिन्यूअर भी 95,000 में होता है। लेकिन 95,000 सबकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता, तो आप ऑल इंडिया एम्स में जा सकते हैं, वहाँ पे कॉस्ट काफ़ी कम है इसकी। जहाँ तक सुनने में आ रहा है शायद 55,000 की कॉस्ट है, आई एम नॉट श्योर, तो एक बार चेक करना पड़ेगा, बट वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है कॉस्ट का। द ओनली इशू इज की थोड़ा सा वेटिंग लंबी हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट एडवांटेज है तो थोड़ा सा वेटिंग ज़्यादा है। तो अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो वहाँ पे जाके भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्लस का नंबर यूज़ करते हैं और उसके बाद भी उनका विज़न 6x6 नहीं होता, तो वो ये चाहते हैं कि हमारा विज़न 6x6 हो जाए और ये चश्मा हट जाए, तो वो लोग क्या करें? देखिए, आप कोई भी लेजर से चश्मा हटाएं, वो बेशक कंटिन्यूअर विजन हो, स्माइल हो, लेसिक हो, हम लोग ये कहते हैं कि जो नज़र आपको चश्मे के साथ मिल रही है ठीक, वो नज़र तो बिना चश्मे के मिलेगी 100%। कंटिन्यूअर विजन में ऐसा देखा गया है कि क्योंकि हम इररेगुलरिटीज़ को भी ट्रीट कर रहे हैं तो विजन में कभी कभी एक्स्ट्रा लाइन इंसान पढ़ पाता है, सुपरविजन का इफेक्ट मिलता है ठीक। लेकिन अगर कोई इस तरह का पेशेंट है जिसकी आंख में प्लस का नंबर है और उसकी आंख कमज़ोर है, 6x6 नहीं पढ़ पा रही, तो इस प्रॉब्लम को हम अम्ब्लायोपिया या लेजी आई कहते हैं, जहाँ पे आंख की डेवलपमेंट तो है वो पूरी नहीं हुई। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर हम 100% करेक्शन भी कर दें लेज़र से, इंसान को बिल्कुल प्रॉपर चश्मे का नंबर दे दें या बेस्ट से बेस्ट लेज़र भी कर दें, उनकी विजन जितनी चश्मे के साथ आ रही है उससे ऊपर नहीं बढ़ पाती लेज़र के बाद भी। ओके, तो अगर अम्ब्लायोपिया का केस है, लेजी आई का केस है, तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि जो आपको चश्मे के साथ मिल रही है नज़र, वही नज़र आपको बिना चश्मे के मिल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, अगर कंटिन्यूअर विजन कोई कराता है या कोई दूसरा लेसिक प्रोसीजर कोई कराता है, तो क्या ओल्ड एज में जाकर वो कैटरैक्ट होने के बाद आंखों में लेंस डलवा सकते हैं? देखिए, कैटरैक्ट एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है ठीक है, उसका लेजर से कोई लेना देना नहीं है। कोई बंदा लेजर कराए या ना कराए, आप हो गया, मैं हो गया, या एक पेशेंट हो गया जिसने लेज़र कराया है, कैटरैक्ट तो सबको आना ही आना है। वो बेशक किसी की 70 साल में है, किसी की 60 साल में है, किसी की बेशक 80 साल में है, एज रिलेटेड प्रोसेस, सबके बाल सफ़ेद होने ही होने हैं, कैटरैक्ट आना ही आना है।
तो कैटरेक्ट सर्जरी तो सबको जरूरत पड़ेगी ही एक टाइम पे। जब आप कैटरेक्ट सर्जरी कराने जाएं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि डॉक्टर साहब हमने चश्मा हटाने का ऑपरेशन कराया, ताकि उस हिसाब से वो लेंस की पावर को कैलकुलेट कर ले और करेक्ट कैलकुलेटेड लेंस पावर आपकी आंख में इम्प्लांट कर जाए। सर इस समय जो आपने अपडेट टेक्नोलॉजी बताई वो कितने नंबर तक रिड्यूस कर देती है? कंट्यूरा विजन जो है उसकी रेंज होती है करीब -8 स्फेरिकल और सिलेंडर में करीब -4 सिलेंडर ठीक कर देती है। प्लस नंबर्स में यूजुअली +6 तक का स्फेरिकल और सिलेंडर करीब हम +2 तक का एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा सर, अगर कोई यंगस्टर है, एक जनरल वे में हम बात करें कि उसे जॉब नहीं करनी या वो कोई ऐसा नहीं है अपीयरेंस की, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए मैं अपने सारे पेशेंट से कहता हूँ कि हमेशा बेस्ट चीज करानी चाहिए आंखों में जी। राइट, ये आंखें आपके साथ अगले 50-60 साल चलनी है जी, तो इन आंखों के चक्कर में तो कोई कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए, हमेशा बेस्ट चीज करानी चाहिए। तो मैं तो अपने सारे पेशेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि बेस्ट टेक्नोलॉजी है कंट्यूरा विजन, वही करानी चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स कंट्यूरा विजन महंगी टेक्नोलॉजी है, सबकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आती, तो हम लोग कहते हैं कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको बेस्ट कराना है तो कंट्यूरा विजन है, लेकिन अगर कंट्यूरा विजन अफोर्डेबिलिटी में नहीं है तो हम लोग कहते हैं SBK लेसिक, जो करीब 45,000 का पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड है, कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। एक स्टैंडर्ड लेसिक भी होता है 25,000 का, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया है, आंखों में हेलो ग्लेयर की प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको हम इतना प्रेफर नहीं करते। SBK लेसिक इज द मिनिमम स्टैंडर्ड जो आज के डेट में बंदे को मिनिमम तो करवाना ही चाहिए। सर लेजर कराने के बाद अगर ये वाले कोई सा भी ऑप्शन अगर कोई भी व्यक्ति अपनाता है तो उसके बाद वो रूटीन लाइफ में कितने दिनों में आ जाएगा? तो देखिए लेजर के बाद करीब 1 हफ्ते का परहेज होता है। एक हफ्ता हम कहते हैं कि आपको गले के नीचे नहाना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, बेसिकली आंख में 1 हफ्ते तक पानी नहीं जाना चाहिए। फिर हम एक काला चश्मा देते हैं आपको, जिसको आपको 1 हफ्ते तक पहनना होता है। पहले 2 दिन वो चश्मा घर के अंदर भी और घर के बाहर भी पहनना होता है, उसके बाद नेक्स्ट 5 दिन जब भी आप घर से बाहर निकले तब पहनना होता है। कोई भी हैवी काम जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इस तरह के काम कम से कम 2 से 3 महीने नहीं करने चाहिए। लेडीज गर्ल्स को अगर मेकअप यूज करना है, फेशियल मसाज करानी है, कलर कॉन्टैक्ट लेंस पहनने हैं, तो करीब 1 से 2 महीने रुकना चाहिए। आपका रूटीन काम, ऑफिस का काम, जॉब का काम, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स का काम आप अगले दिन से शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कमरे की लाइट से या कंप्यूटर की लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस बेसिकली प्रॉब्लम है कि 1 हफ्ते तक आंख को धूल मिट्टी से बचा के रखना है। तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई 4-5 दिन की छुट्टी ले ले और 4-5 दिन घर के अंदर रहे तो हम बहुत खुश हैं कि आंखें में धूल मिट्टी नहीं लगेगी और रिकवरी बहुत अच्छी होगी। सर इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? देखिए इसका कोई एसिड साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन लेजर के बाद आंख में चौंध लगना, पानी आना, लाली बनना, रड़क बनना, धुंधला दिखना, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। कितने दिन तक? तो ये सब चीज़ें करीब 2 से 3 दिन रहती हैं, फिर वो ठीक हो जाती हैं। कोई चीज़ जो लंबे समय के लिए चलती है वो है आंखों में ड्राइनेस या खुश्की लगना। तो हमें पहले से ही पता है कि लेजर के बाद आंखों में ड्राइनेस आएगी, हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं और हम आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप देते हैं जो आपको दिन में 4 बार डालनी होती है। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप आप दिन में 4 बार डालते रहिए, आपको खुश्की महसूस नहीं होगी, 2-3 महीने में वो ठीक हो जाएगी। तो जो भी है टेम्प्ररी है, खुश्की कभी कभी इंसान को तंग कर सकती है, कभी कभी उसको लग सकता है कि 4 बार डालने के बाद ही मुझे खुश्की महसूस हो रही है, तो आप 4 की जगह 6 बार डाल सकते हैं, तो पेशेंट कंफर्टेबल हो जाएगा। सर अगर कंट्यूरा विजन के बारे में कोई सोचता है तो ये कहाँ करा सकते हैं भारत में? देखिए कंट्यूरा विजन एक्चुअली एक बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है जी। तो अभी ये टेक्नोलॉजी कुछ सिलेक्टेड बहुत बड़े आई के इंस्टीट्यूट में लगी हुई है, हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। एम्स मैंने आपको पहले बताया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहाँ अवेलेबल है, मेदांता हॉस्पिटल जो गुरुग्राम में है वहाँ अवेलेबल है, शंकर नेत्रालय चेन्नई में, LV प्रसाद हैदराबाद में, तो ये कुछ बड़े प्रसिद्ध सेंटर्स हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हाँ लेकिन टाइम के साथ टेक्नोलॉजी की कॉस्ट ऑफकोर्स कम होती है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है, तो बाकी जगह भी ये टेक्नोलॉजी लगने जाएगी। ऐसा उम्मीद है कि 2020 के एंड तक
कंटूरा विजन एक डिफॉल्ट प्रोसीजर बन जाएगा और बाकी प्रोसीजर्स एक तरह से बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी है इसमें। यानी जो लोग अपने सपनों की उड़ान के साथ में बहुत सारे सपने देख रहे हैं कि हम बिना चश्मे के कैसे रहें, तो उनके सपनों को जल्दी पूरा साकार कर सकता है कंटूरा विजन। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर नदीम। आई होप सो व्यूअर्स आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। बाय।